अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां आज सुबह अलग अलग हुए दो हादसों में चार लोग घायल हो गए। घटना रांची और भेड़ाघाट थाना अंतर्गत है। रांची थाना के चुंगी के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मारते हुए खंभे से जा टकराई। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक जहां बुरी तरह चकनाचूर हो गई तो वहीं बिजली का खंभा भी झुक गया। बाइक सवार का नाम पिंटू बर्मन बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर रांची थाना पुलिस पहुंची और बाइक सवार को इलाज के लिए निजी अस्पताल भिजवाया। कार में दो लोग सवार थे जो कि घटना के बाद मौके से फरार हो गए। कार का एयरबैग खुल जाने के कारण सवार की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक आज सुबह कार जबलपुर शहर की तरफ आ रही थी। बाइक सवार पिंटू बर्मन अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। इसी दौरान सामने से आ रही कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर बिजली के खंभे से जा टकराई। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि कार कार्तिक कोतवाल नाम के व्यक्ति की है। रांची थाना पुलिस ने कार को जब्त कर इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना भेड़ाघाट थाना के तिनसी नगर की है, जहां दशहरा देखकर जबलपुर से वापस सहपुरा लौट रहे बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से बाइक सवार रवि चौधरी, उनकी पत्नी माया चौधरी और बेटे अनिल चौधरी को चोटें आई हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में करवाने के बाद उन्हें घर भेज दिया है। भेड़ाघाट थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।